जी हम अपनी मछलियों को दाना डाल देते हैं, ये खुद ही थोड़ी देर में खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। ब्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। सुबह हो चुकी है, उठ चुके हैं, जुम्मे का दिन है आज। और अभी जो है वो हम मैंने कहा ऊपर जाने से पहले सेटअप पे क्यों ना अपनी मछलियों को खाना डाल के जाया जाए। और एक मसला भी हो गया, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये वाला जो है ना फिल्टर, ये नहीं चल रहा। लेकिन मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसको निकाल के खोल के देखूँ कि इसके साथ क्या मसला हुआ। तो इसको जो है ना घर आके वापस फिर देखेंगे या कल देखेंगे इसके साथ क्या हुआ। अभी जो है ना वो हम ऊपर चलते हैं। ऊपर चलते आज तो ऊपर बहुत ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी का मौसम हुआ है, देखने में ऐसे लग रहा है। ऊपर जाके देखते हैं कि वाकई ऐसा है भी कि सिर्फ लग ही ऐसा रहा है। जाते जाते ये देखें आपको हल्के हल्के स्प्राउट्स जो है ना वो नज़र आने स्टार्ट हो गए होंगे। और दूसरा इसमें पानी हो गया है कम, तो हम इसके अंदर पानी थोड़ा सा डालेंगे आज। कल तक देखिएगा इंशाल्लाह काफ़ी इसके अंदर स्प्राउट हो चुकी होगी। हाँ भाई कैसे सारे, आज तो मौसम ठंडा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे होगे लगता है। हाँ भाई डक्की क्वैकी, डक्की क्वैकी ने भी दाना सारा खा दिया हुआ है। तुम लोगों को तो आज दाना नहीं मिलना, तुम लोगों ने बहुत गिरा के दाया किया, इनके पास वैसे ही पड़ा हुआ तो काम वैसे ही आधा हो गया। पानी ख़त्म हुआ हुआ है हमारे पिजन्स का, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। वो हम आज पानी डालेंगे, दाना डालेंगे इनको। शामू हमारे बड़े खुश फिर रहे हैं आज माशाल्लाह से हैं। आए जरा इनके साथ जरा गपे छपे लगाए बरा, ये चेक करें इस वाले का। हाँ भाई क्या सीन है तुम्हारा है, पोस्चर देख रहे हैं आप इसका, खुली जगह पे आके इसका पोस्चर कैसा प्यारा हो गया, अब सीधा खड़ा होता ये है। और चेहरा देखें माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत है, ये देखो ये वाला टाइम हम थोड़ी देर तक ज़ाया करेंगे, अभी हमने ऑफिस के लिए भी निकलना है तो आके इनके साथ मस्तियाँ करेंगे। अभी जो है जो काम करने वाला वो करते हैं हम सबसे पहले, और वो काम ये है कि हम दाना डालते अपने पिजन्स के लिए, दाना लेके आते हैं, बल्कि पहले उनका पानी चेंज कर लेते हैं यार, फिर सुकून से बंदा दाना डाल लेता। चलो भाई साइड में हो जाओ, दो अंडे किंग के, दो अंडे सेंटिनल के, दो अंडे ब्राउन वाले किंग के। ये चेक करें काम देखें, मैंने उठाया उधर ही खुल गया, सारा पानी हो गया, पानी भर के रख दिया हमने। आप इस पिजन को देखें, ये देखें इसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है ना वो ख़त्म हो गई है, इसको जो है ना वो लकवा हो चुका है। ये देखें देखें ज़रा कर क्या रहा है, ये इससे जो है ना अब कुछ भी नहीं हो पा रहा। देखें कैसे इधर उधर फिर रहा है, ऐसे लग रहा है कमला हो गया। ये देखें अब इसका क्या किया जाए, खैर इसका पार्टनर जो है वो बेसिकली उसको भी लकवा हुआ था और वो भी चल बसा। अब ये जो है ना इसकी बारी है, ये हमारा अमेरिकन लक्का है ब्लैक वाला, जिसका पार्टनर बेसिकली ब्राउन अमेरिकन लक्का था जो मर गया था। दाना वगैरह तो हमने चेंज किया ताकि जो है वो कोई ज़्यादा गर्म चीज़ ये ना खाएं इतनी गर्म मौसम में, और इनके साथ मसले मसाइल ना हो। और उससे फ़र्क ये पड़ा है कि काफ़ी हद तक जो है ना बाकी सुधर गए हैं, बाकी सारों पे फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन जो एक आधा जो अब बीमार हो गया पीस उसका कुछ नहीं हो सकता। आप कॉन्टीन्यूसली देखें क्या कर रहा है वो लखा, ये देखें पागलों में इतना फिर रहा है। खैर दाना लेके आते हैं इनके लिए,
आज हमारी मुर्गी ने बहुत ही शोर डाला हुआ है। हाँ भाई, क्या मसला? कह रही अंडा देना मैंने। हैं, अंडा देना तुमने? दरवाजा खोलते हैं, दाना डालते हैं इनको। एक काम जो अब हमसे खराब हो गया, वो पानी वाले एरिया से हट के हमें दाना डालना पड़ेगा। दाना थोड़े लिमिटेड एरिया में फेंकते हैं। चलो तुम भी खा लो उतर के, कोई बात नहीं, थोड़ा ही पानी गिरा वो इंशाल्लाह सूख जाएगा। डक्की और क्वैकी के लिए दाना लेके आते हैं हम। डक्की और क्वैकी को हम दाना डालेंगे ये वाला, और हम अपने वाइट शामुओं को भी यही दाना डालेंगे। यार इनको लेके मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, ये पता नहीं कब हमारा ये वाला काम कंप्लीट होगा। चलो गिर जाने दाना, ये देख कहते हमने पकड़ा हुआ, इतना तो गारंटी गिरेगा। एक हाथ से व्लॉगिंग, एक हाथ से सारे काम करने बड़े मुश्किल है। ये देखें जी, इनका पानी मैंने भर लिया हुआ था पहले, बस दाना ऐसे डालना है और इनकी ईद करा देनी इधर। चलो जी, अरे लेना मजे मजे से ये खाएंगे। क्या मसला है तुम्हें ब्लू और पिंक टैन, क्यों नहीं चुप हो रही तुम? इनको पता नहीं क्या हो गया ब्लू और पिंकटन को हमारी, ये जो है ना चुप होने का नाम नहीं ले रहे। अब हम जो है ना अपने शामुओं के पास चलते हैं, उनको खाना डालते हैं। चलो भी, चलो भी, फ्रेश दाना आ गया जी, फ्रेश। आ जा, तुमने मस्तियाँ करनी मेरे साथ, आओ तुम्हें 5 मिनट दे ही देता हूँ यार। ये चेक करें, इनको आप प्यार से उठाएं तो ये ऐसे, तो ये कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। ये चेक करें, देखें कभी आपने इतने शरीफ असील मुर्गे, अभी तो ये बच्चे हैं इसलिए कुछ नहीं कह रहे, जब इन्होंने बड़े हो जाना फिर इन्होंने करनी है लड़ाइयाँ। शायद मेरे साथ ना ही करें लेकिन दूसरों को लादमी कुटेंगे, एक दूसरे को कुटेंगे, दूसरे लोगों को कुटेंगे, हैं बदमाश। ये चेक करें, कोई दिखाता आपको इतने करीब से शामू अपने, उनको भाई पड़ी होती है कि हमारा कंटेंट ना चोरी हो जाए, हमारा हमारे लोग तस्वीरें लगा के ये ना कर दें, वो ना कर दें। हम भाई फेमस ही नहीं है इतने कि कोई हमारे साथ ऐसे करे, तो हम अपने व्यूवर्स को खुल के दिखाएंगे। 2-3 चैनल्स मैंने देखे हैं, वो अपने शामुस जो है ना वो नहीं दिखाते, एक तो इनकी लड़ाई की वजह से तो स्ट्राइक आ जाएगी, ये तो पक्की बात है। दूसरा वो इसलिए भी नहीं दिखाते कि ये शामु जो है ना वो बगैर मैं किसी वाटर मार्क के या किसी के लगा रहा हूँ तो कोई भी इसकी तस्वीर लेके जो है ना वो आगे इसको यूज़ कर सकता है बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये देखें ये हमारा शामू है, हमारे पास कितना बड़ा शामू है ये, तो वो ऐसे करके। तो इस वजह से भी लोग जो है ना इस तरह के काम नहीं करते। ये देखें इन दोनों के साइज़ में आपको फ़र्क दिख रहा है, और ये देखें ये इसकी कंघी ना होने के बराबर इसकी थोड़ी सी है, तो ये मेल निकलेगा मेरे ख्याल से और वो फीमेल निकलेगी। सेम ये देखें इसकी भी कंघी नहीं है तो ये भी फीमेल निकलेगी, और ये सबसे बड़े वाला हमारा जो है ये मेल निकलेगा, और ये वाली जो है ना ये भी शायद मेल निकला है। तो अभी जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास 3 मेल और 2 फीमेल हैं, लेकिन बाकी ये भी हो सकता है कि ये वाली भी फीमेल निकला है। इनकी जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना फिर फाइनल होगा,
कि क्या क्या निकलता। अभी जो है ना वो हम चलते हैं बाहर इनके केज से, एक काम हमारा रह गया करने वाला, वो करते हैं जो हमने स्प्राउटेड सीड्स रखे हुए हैं इनके लिए, शामों के लिए, फील मुर्गियों के लिए, चूहों के लिए, उनको जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के लगाते हैं। तुम लोगों को आज खाना नहीं मिलेगा, तुम लोग भी वो जो पड़ा हुआ है वो खाओ, पहले उसको फिनिश करो, फिनिश। तुम लोगों के बहुत नखरे हो गए हैं, मोरू की दुम चेक करें। ये देखें जी, खाना खाने के बाद तीन जोड़े जो मैंने आपको दिखाए थे, तीनों फीमेल अपने खुड्डे में चली गई हैं। हमारा ब्राउन वाला मुल्तानी सराज देखें, पर इकट्ठे कर रहा है घर बनाने के लिए। और ये हमारा वो मुल्तानी शराजी नहीं है जो बेसिकली ये वाला जोड़ा अलहदा ही है, ये इनका बच्चा है। तो बेसिकली इसने भी अपना अब सिस्टम स्टार्ट कर लिया और अपना पेयर बना लिया, तो अब ये जो है ना वो घर बना रहा है, घर बनाएगा, फिर इसकी फीमेल अंडे देगी और फिर ये इसका भी सिस्टम चल पड़ेगा आगे, हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ हमारे कबूतर आ जाएंगे। गाइस आज के ब्लॉग को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।